1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्वेश्चन है हमारा। 1 माइनस कॉस 2x ओवर x स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x ओवर x स्क्वायर। अब हमने फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू साइन में लेके आनी है, साइन x में। तो हमें पता है कि कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 sin² यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, 2 sin² थीटा के बराबर। और ये 1 माइनस कॉस, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इधर आ जाए और ये वाला माइनस का 2 sin थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 sin² थीटा ये प्लस में आ जाए, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये वाला जो है ये 2 sin थीटा के इक्वल है। इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 sin² थीटा को पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 2 sin² थीटा ओवर x का स्केयर। इसको हमने पुट किया, 2 क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसे लिमिट से पहले ले आएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 2 sin² थीटा और नीचे भी स्केयर है तो 2 sin थीटा ओवर x, 2 sin² थीटा नहीं पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में x है, तो x वो तो हमने फॉर्मूले में थीटा किया था, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे sin x ओवर x। ये जो हमने लिमिट अप्लाई की है इस सब पे दोनों पे अप्लाई तो हो रही है क्योंकि इन दोनों का स्केयर है, तो वो होल का स्केयर ले लेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक यूजिंग ये जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 2 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो हम इस ये वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये भी वैसे ही फार्मूला बन रहा है। इसकी वैल्यू 1 का स्केयर आएगा, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, इसलिए इसका आंसर है 2। ये पार्ट नंबर 8 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर sin² x। अब 1 माइनस कॉस x ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ये वैसे का वैसे ही रहेगा। हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करते होते हैं, sin² x जो होता है होता है 1 माइनस कॉस² x के बराबर, 1 माइनस कॉस² x। एक्स हम क्योंकि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर थीटा लिखते हैं वैसे तो क्वेश्चन में फार्मूले में, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस कॉस² x ये जो कॉस 1 माइनस कॉस² x मतलब a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पे बनता है, a² - b² जो होता है a + b और a - b के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 + cos x आएगा एक मरतबा, 1 - cos x आएगा एक मरतबा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 + cos x आएगा, ये 1 - cos x 1 - cos x से कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 ओवर, लिमिट भी साथ लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 + cos x, x की जगह पे अब अंदर अब ये पुट कर देते हैं 0, x अप्रोचेस टू 0 है ना, 1 ओवर 1 + cos 0, cos 0 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर 1 + 1 = 1/2, ये इसका आंसर है। 9 है, इसका क्वेश्चन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin² थीटा ओवर थीटा। यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जब सॉल्यूशन मतलब हल करते होते हैं एक मतलब दोबारा क्वेश्चन को लिखते हैं।
थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्केयर थीटा ओवर थीटा। इसमें दो साइन हैं तो हम पहले इनको अलहदा कर लेते हैं। थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा साइन थीटा। अब लिमिट अलहदा अलहदा दोनों में अप्लाई करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, दोबारा इसके साथ भी लिमिट लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा। ये तो फार्मूला बन रहा है ये वाला, लिमिट थीटा अप्रोचेस, इस वाले फार्मूले के मुताबिक थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। ये तो फार्मूला है, हमें पता है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसकी वैल्यू लगाएंगे वन, और ये अंदर अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो आएगा। यहाँ पे साइन ज़ीरो, हमें पता है कि साइन ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू देता है। जब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आंसर देगा। टेन, पार्ट टेन है हमारे पास। इसमें एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सीकेंट एक्स हमें बताया कि ये एक मतलब दोबारा जब सॉल्व करते हैं मैथ का क्वेश्चन तो दोबारा सवाल को लिखते हैं, सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकेंट एक्स वन ओवर कॉस एक्स के बराबर होता है, और माइनस कॉस एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा और नीचे एक्स है। पहले इसको हल करेंगे, नीचे एक्स ही है ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स आएगा वन कॉस एक्स। यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स और कॉस एक्स। हमें पता है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर एक्स एक्स और कॉस एक्स। इसमें टू साइन है तो हम अलहदा अलहदा पहले उन्हें करके लिखेंगे क्योंकि हमने दूसरा फार्मूला बनाना होता है ना। साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा साइन एक्स, मतलब इसमें दो साइन है तो एक कॉस एक्स के ऊपर लग जाएगा। ये साइन एक्स एक फार्मूला दे रहा है, मतलब लिमिट इन दोनों में अलहदा अलहदा पहले अप्लाई करेंगे। एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब अंदर जब पुट करेंगे तो ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन, ये वाला फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू वन आएगी। और ये टेन एक्स है, और एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो टेन ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू देता है, वन जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इलेवन है क्वेश्चन नंबर थ्री का, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस पी थीटा और वन माइनस कॉस क्यू थीटा। ये एक हाफ एंगल है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं इनके फार्मूलाज को। हमें पता है कि जो कॉस टू थीटा होता है वो इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्केयर वन माइनस टू साइन स्केयर थीटा के इक्वल, और जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है वन माइनस, मतलब ये वाला टू इधर मल्टीप्लाई भी होगा, टू साइन स्केयर थीटा ओवर टू
ये जो टू मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर जाके डिवाइड हो गया क्योंकि कॉस थीटा हमने निकाला है। अब जो कॉस पी थीटा लगाएंगे तो पी को इसके साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 1 - 2 sin² पी थीटा ओवर 2। अगर कॉस क्यू थीटा हम लगाएंगे तो 1 - 2 sin² क्यू थीटा ओवर 2। जब हम 1 - cos p थीटा लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला 1 - cos मतलब इस cos को इधर ले आए और ये वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 sin² p थीटा ओवर 2। इस तरह q वाला फार्मूला भी यही बन जाएगा। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बाकी सारे फार्मूलाज को मैं हटा देती हूँ। अब वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला था ना वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, 1 - cos 2 थीटा। पहले क्वेश्चन को अलग लिख लेते हैं। थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 - cos p थीटा, 1 - cos q थीटा, इन दोनों को हमने लिख लिया। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, वो जो फार्मूला हमने निकाला था इधर, 1 - cos p थीटा इक्वल है 2 sin² थीटा p थीटा ओवर 2 के, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऊपर भी स्क्वायर p थीटा ओवर 2 और नीचे भी 2 sin² q थीटा ओवर 2। अब ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट आ रहे हैं इसलिए हम इनके अलहदा अलहदा, ये पी है और ये क्यू है, अलहदा अलहदा फार्मूलाज बनाने की कोशिश करते हैं। वो वाला साइन थीटा ओवर थीटा वाला फार्मूला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब हम इसमें पी थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे दोनों में, साइन पी थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें पी थीटा ओवर 2 और डिवाइड भी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन पी थीटा ओवर 2 और इस डिवाइड भी करते हैं हम, साइन नहीं करेंगे पी थीटा ओवर 2 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे पी थीटा ओवर 2 और नीचे साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइड भी क्यू थीटा ओवर 2 और क्यू थीटा ओवर 2। ये जो थीटा ओवर 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इन सब का दोनों का स्केयर था तो हमने स्केयर भी ले लिया है और 2 को हमने पहले बाहर निकाल दिया। नहीं, ये वाला जो 2 है ना इसके साथ, ये जो फार्मूले में 2 आ रहा था ये वाला फार्मूला इसके साथ और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो साइन स्केयर था वो हम बाहर ले आए, होल का स्केयर बना दिया हमने। ये एक फार्मूला बना रहा है ये वाला लिमिट थीटा, ये वही फार्मूला बन रहा है ना साइन पी थीटा ओवर थीटा। पी को हम बाहर ले आएंगे, दूसरी साइड से कर लेते हैं। पी को बाहर ले आए हम, पी का स्केयर है और क्यू को भी, इस वाले क्यू को भी हम बाहर ले आए तो पी ओवर क्यू स्केयर बना देते हैं। ये 1 वैल्यू दे रहा है, ये एक फार्मूला बना रहा है साइन थीटा ओवर थीटा वाला, ये भी नीचे भी, तो हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/1। जब पी स्केयर और क्यू स्केयर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा साइन का क्यूब थीटा। इसे हम सॉल्व करने लगे हैं, एक जब सॉल्व करते हैं मैथ के क्वेश्चन को तो क्वेश्चन दोबारा लिखना होता है। टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन का क्यूब थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन थीटा है, टेन थीटा हमें पता है कि साइन ओवर
कॉस के बराबर होता है माइनस साइन थीटा और साइन का क्यूब थीटा। थीटा अप्रोचेस टू जीरो, कॉस थीटा आएगा एलसीएम, साइन थीटा ऊपर है तो साइन थीटा माइनस, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, कॉस थीटा भी इसके साथ ही लगेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा और नीचे साइन का क्यूब थीटा, ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा साइन का क्यूब थीटा। अब हमने इस वाले साइन से एक कॉमन ले लेना है, लिमिट थीटा अप्रोच, यहाँ पे वन बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा भी है और साइन का क्यूब थीटा है, इस एक साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन का स्क्वायर थीटा, रेज कर लेते हैं, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, फार्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पुट करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये एक फार्मूला बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन ओवर वन प्लस कॉस थीटा, अंदर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा की जगह पे ज़ीरो, वन प्लस कॉस ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो वन वैल्यू देता है, कॉस ज़ीरो वन, मतलब थीटा की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो उसने ये वैल्यू दी, वन ओवर टू इसका आंसर है।